जैसे ही आपने सिलेबस कंप्लीट किया या फिर जो भी टॉपिक कंप्लीट किया था उसके बाद क्या होता है, जैसे तो मैंने जैसे क्या किया, जैसे ही मेरे वीडियोज़ कंप्लीट हुए उसके बाद क्या करता था कि जैसे कि आपको कैसे लगे प्रेमचंद की जो पेंटिंग है, तो जैसे मान लो मैंने नाटक का ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना, ये जैसे देखो नाटक ये सर ऐसे लिखा थे बोर्ड पे, तो हमने भी ऐसे लिख दिए भाई सबसे पहले नाट्य शैली कौन सी होती है, तो भारतीय होती हैं, पाश्चात्य होती हैं, पारसी होती हैं और लोक परंपराएं होती हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है जैसे मान लो एक तो भारतीय परंपरा है और एक कौन सी है आपकी पाश्चात्य और एक आपकी फारसी, इसको तो बस हल्का सा याद रखना है आपको, बाकी इन तीन चीज़ों इन तीनों को तो आपको ढंग से पढ़ना है। तो इसके अंदर एक साध्य होता है और तीन साधन होते हैं, इसमें आप जैसे नाटक पढ़ोगे उसमें चीज़ें बताएगा ना। तो जैसे मान लो ये मैंने अपने सारे जो क्लास वाइज है वो नोट्स ऐसे बना लिए मैंने पूरे एक ही, उसके बाद फिर मैंने क्या कर लिया कि मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए। पर्सनल नोट्स कैसे बनाए वो देखो, तो पर्सनल नोट्स के अंदर क्या किया मैंने, जो बुक्स थी बुक्स को ढंग से पढ़ा। देखो आपको तीन चीज़ें करनी है, सबसे पहले देखो जो क्लास आप स्टार्ट करते हो, देखो जैसे ये देखो हिंदी साहित्य के रामबाण नोट्स, यानी ये रामबाण है, इनको पढ़ के इनका ही रिवीजन करूँगा और मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा जब ये नोट्स पूरे बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तीन चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो जो भी टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को पहले आप नोट्स से पढ़ो। किससे पढ़ो, नोट्स से पढ़ लो, नोट्स से पढ़ लो, उसके बाद आप क्लास करो। क्या करो, क्लास कर लो। उस क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक चलो ये हाँ इसमें ये बताया था, ये तीन चार चीज़ें आपने उसमें नोट्स में लिख दी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद आप क्या करो, उसको समझो भाई हाँ इसको और इसको कैसे। मैं देखो नोट्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़े हैं, मतलब अब उनको आप एकदम पढ़ के ऐसे नहीं, वो अगर आप क्लास को फॉलो करोगे और क्लास के हिसाब से चलोगे तो नोट्स आपको समझ में आएंगे, नहीं तो नोट्स नहीं समझ में आएंगे। उत्तर में क्या लिखना है वो चीज़ बहुत सिंप्लीफाइड इंपॉर्टेंट करनी जरूरी है। तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने कहानी के नोट्स बनाए, जैसे ये देखो, जैसे मैंने कहानी का प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जैसे कहानी और कथा में अंतर लिख दिया मैंने बहुत। देखो एकदम इसमें देखो, अगर आपको कहानी का कहीं नाम आए तो आपको एडगर एलन पो का नाम आना चाहिए, उन्होंने जासूस और साइंस फिक्शन के ऊपर लिखा है। तो सबसे पहले शुरुआत है कि एक कथात्मक विधा है, इसमें आदर्शवाद, जैसे कहानी में क्या है इसमें आदर्शवाद नहीं यथार्थ होता है, वास्तविक परिचय होता है ना, इसमें क्या है नैतिकता होती है। तो इस पर ये और देखिए सात तत्व बताया। देखो तत्व के मैंने देखो कि जैसे कहानी के अंदर मुख्य तत्व में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे उद्देश्य गुलाव होना चाहिए, कथानक सीधा सरल होना चाहिए, कथा वस्तु विश्वसनीय होनी चाहिए, पात्र चरित्र स्वाभाविक स्वतंत्र होने चाहिए, वातावरण परिवेश महसूस हो, भाषा शैली पात्र अनुकूल हो है ना, कथोपकथन संवाद छोटा सुस्त और गतिशील हो। अब जैसे देखो कहानी और उपन्यास हो गए हैं, तो मैंने यहाँ एक कोटेशन लिखा है कहानी, जैसे बाबू गुलाब राय ने कहा है कि कहानी को उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक है ना। तो इस प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये देखो एकदम मैंने पूरे नोट्स जो 8-10 पेज का उसको मैंने क्या कर दिया, 2 पेज में निपटा दिया पूरा। अब मुझे ये सारा माल मसाला यहाँ मिल गया, अभी इससे समझ, जैसे मैंने प्रेमचंद की सारी कहानियाँ लिख दी और उसमें क्या क्या समस्या है वो भी लिख, जैसे देखो रानी सरंदा महिला वीरता है, आदर्श बड़े घर की बेटी, स्त्री विमर्श संयुक्त परिवार का बच्चा है ना, बूढ़ी का की वृद्धि वर्ग की समस्या, हृदय परिवर्तन की चीज़ है, शतरंज खिलाड़ी, नवाब वर्ग में निष्क्रियता का व्यंग, भ्रष्टाचार पर व्यंग, आडम्बरों पर करारी छोट, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी है। उसके बाद मैंने कुछ कोटेशन भी लिख दिए, मुझे कोटेशन जैसे देखो आनंदी स्त्री के स्वभाव में तो रोने लगी क्योंकि आंसू उनके पलवा है। तो अब ये मुझे कोटेशन याद करने, तो सुबह उठती मुझे प्रेमचंद की कहानी का कोटेशन जो मैन मैंने वो मैंने यहाँ अच्छे से लिखी। ये देखो सारी पोंछ की रात हरेक के, शतरंज के खिलाड़ी के, फिर प्रेमचंद कुछ उपन्यास, इसको जैसे आप देखो, जैसे मैंने प्रेमचंद की कोई भी टॉपिक में उसकी भूमिका यही लिखूंगा अगर मुझे डायरेक्ट प्रेमचंद से पूछा जाता है। क्या लिखूंगा कि प्रेमचंद 1907 से 1910 उस दौर के रचनाकार हैं जब हिंदी कहानी का सेवा शिशा अवस्था में थी, किंतु प्रेमचंद ने अपनी लेखनी द्वारा एक झटके में ही इस धारा को वयस्क तक के बिंदु पहुंचा दिया। आदर्शों की विचारधारा से सामाजिक यथार्थ या मार्क्सवादी विचारधारा की प्रगति उनकी कहानियों की संवेदना तथा शिल्प के ओज में झलकती है। अब मैंने ये एक छोटी सी भूमिका लिख दी, अब मैं हर जगह इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, कहीं भी प्रेमचंद का सवाल आएगा तो मैंने एक चीज़ फिक्स। फिर भाषा शैली भी छोटी 2-4 चीज़ें लिख ली, और फिर क्या है मनोविज्ञान पे क्या क्या पोर्शन है वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार आपको भी सिंपलीफाइड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और भी कैसे किसी नए टॉपिक बनाएंगे, और भी मैं आपको समझाता वीडियो बनाता जाऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा भी हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे और उसको सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।